इन दिनों बॉलीवुड के अपकमिंग सुपरस्टार आहान शेट्टी अपनी फिल्म तड़प को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं, जहां सभी फिल्म में इनके एक्टिंग, एक्शन और फिल्माए गए किरदारों को बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते ये दर्शकों से काफी तारीफें हासिल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप आहान शेट्टी के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी फिल्म तड़प से जुड़ी 10 अनसुनी अनकही बातों के बारे में जानते हैं? तो इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको आहान शेट्टी की फिल्म तड़प की 10 अनसुनी बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे कोई जानता नहीं है। तो चलिए वन बाय वन 10 अननोन फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। नंबर वन, शायद ही आपको पता हो कि सुपरस्टार आहान शेट्टी ने अपनी फिल्म तड़प से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया है और वो इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से कर रहे थे। जी हाँ, वो पिछले 2 सालों से तड़प फिल्म की शूटिंग में लगे हुए हैं। नंबर टू, सुपरस्टार सिटी के फैन तड़प में उन्हें अपना ईशाना मुख्य किरदार निभाने के लिए इस फिल्म में 50 लाख फीस दी गई है। जी हाँ, इन्हें अपना मुख्य किरदार निभाने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने इन्हें 50 लाख रुपए फीस चार्ज की है। नंबर थ्री, बता दें फिल्म तड़प तेलुगु फिल्म RX100 की रीमेक फिल्म, जो साल 2018 में रिलीज की गई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन ने मुख्य किरदार निभाया था। तो वहीं अब इसे सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी फिल्म का हिंदी रीमेक कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं। नंबर फोर, शायद ही आप जानते हो कि तड़प फिल्म में आहान शेट्टी से पहले भी डायरेक्टरों ने कई एक्टरों को अप्रोच किया है, पर जब डायरेक्टर मिलन लुथरिया की मुलाकात आहान शेट्टी से हुई तो इन्हें फिल्म RX100 में कार्तिक आर्यन की शक्ल काफी एक जैसी लगी, जिसके चलते उन्होंने सिर्फ इन्हें ही फिल्म में सिलेक्ट किया। नंबर फाइव, बता दें सुपरस्टार आहान शेट्टी की फिल्म तड़प को बनाने में 33 करोड़ से ज्यादा रुपए लगे और रिलीज होते ही वन डे बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 4.30 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस फिल्म से बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में ये फिल्म 10 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लेगा। नंबर सिक्स, आहान शेट्टी की फिल्म तड़प रिलीज होते ही दो सुपरस्टार की फिल्म अंतिम और सूर्यवंशी को अपनी इंटरेस्टिंग कहानी और फिल्मों में नजर आए कलाकार की वजह से पछाड़ दिया है। जी हां, दर्शकों को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आहान शेट्टी की फिल्म तड़प ही काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। नंबर सेवन, अभिनेता आहान शेट्टी ने तड़प फिल्म शूटिंग के दौरान 6 से 8 महीने तक अपनी दाढ़ी मूछ नहीं कटवाए थे, बल्कि शूटिंग में पहने गए गंदे कपड़े ही पहनकर काफी सारे जुआरी और नशेड़ी लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए मिले थे, ताकि इन्हें भी अपनी फिल्म की शूटिंग में थोड़ी मदद मिल सके। नंबर एट, जी हाँ, बता दें एक्टर आहान शेट्टी ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारे किसिंग सीन के लिए रीटेक दिए थे, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा एडिटेड हो गए थे, पर बता दें इन्होंने 50 बार में परफेक्ट किसिंग सीन दे दिया था, तब जाकर इनके उस सीन को परफेक्ट बताया गया था। नंबर नाइन, एक्टर आहान शेट्टी ने अपनी फिल्म तड़प के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी, पर इन्होंने बिल्कुल भी अपने पिता सुनील शेट्टी की हेल्प नहीं ली और ना ही उनके स्टारडम की भी मदद ली, बल्कि इन्होंने अपने बलबूते पर ही आज इंडस्ट्री में सुपरस्टार सेलेब्स के बीच अपना नाम दर्ज करवाया है। नंबर टेन, बता दें एक्टर आहान शेट्टी अपनी फिल्म तड़प की शूटिंग के दौरान अपनी फैमिली और अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड तान्या श्रॉफ को काफी कम टाइम दे रहे थे, क्योंकि ये हमेशा अपनी शूटिंग में ही बिजी रहते थे। तो दोस्तों, आपको एक्टर आहान शेट्टी के 10 अननोन फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।